सुविधा होने के बावजूद भी घर तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, मजबूरन अपाहिज को चारपाई का सहारा लेना पड़ा। मामला शिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र लखनादौन मुख्यालय का बताया जा रहा है। आदिवासी गांव कुडारी के बिहारी पिता किस्नु गोड़ अपने घर पर बैलगाड़ी पर बंधी टंकी से पानी निकालने में पैर फिसल जाने से पैर बैलगाड़ी के पहिए के नीचे चला गया और पैर फ्रैक्चर हो गया, जिस पर 108 पर संपर्क किया गया। 108 ग्राम कुडारी एक घंटे बाद पहुंची और ग्राम के बाहर खड़ी हो गई और ड्राइवर द्वारा फोन लगाया गया कि आपका पेशेंट यहीं ले आओ, हम गांव के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन लड़के को चोट ज्यादा थी और चलने में असमर्थ था। दर्द के कारण लड़का बहुत परेशान था, मगर ड्राइवर से बहुत बोलने पर भी ड्राइवर घर गाड़ी लेकर नहीं गया, जबकि गाड़ी घर पहुंच जाती है। और गांव के आसपास के घरों में कई बार गाड़ी गई है। गांव में पक्की सड़क है, मगर ड्राइवर का रुतबा अलग था और कहने लगा कि आप इधर आपके मरीज को नहीं ला रहे हो तो मैं वापस चला जाऊंगा, तुमको जो बने कर लो, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इलाज अन्य जगह या प्राइवेट करवाने में सक्षम नहीं था, इसलिए घर वालों ने खटिया में रखकर पेशेंट को 108 एम्बुलेंस तक पहुंचाना ही उचित समझा। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? नहीं, वही तो मैं, आप गाड़ी नहीं ले जा रहे, उस घर के खटिया में डार के ला रहे, जैसे लोग का कहते हैं कोई व्यक्ति जाएगी, वहीं जाएगी, गाड़ी जाएगी ना, मेरे गांव की रास्ता मुझे मालूम है। हाँ, तो तुम रिस्क ले लो गाड़ी। तो मैं लिया था सर रिस्क। तो वो बोल रहा रिस्क डालने के लिए। आपका नाम क्या है? नहीं, रिस्क लोगे तुम। रिक्शे आ गए अब तो, वो पेशेंट आ गए यहाँ। आ गया था, बस बात करना। आप गाड़ी नहीं ले जा रहे, आप जो है ना, आप गाड़ी में रह के मतलब लोगों की, आप लोग, आप जैसे लोग जान ले रहे हैं लोगों की, ठीक है ना? आपका नाम क्या है भैया? आ जाना, मेरी वही पता करना है, लखनऊ में हॉस्पिटल में। लोग खटिया में लेकर आ रहा है जी पेशेंट का, आप घर तक नहीं ले जा रहे गाड़ी, और आप ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।